तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और गैस यहाँ पर जैसे तो रमजान का जो कैलेंडर आ चुका है जिसमें गैस मैजिक क्यूब नहीं दिया गया है, ठीक है। और गैस मैं तो आपको इस वीडियो के अंदर ये वाला कैलेंडर के बारे में समझाने वाला हूँ कौन सा इवेंट होने वाला है। और गैस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैजिक क्यूब गैस क्यों नहीं आया, क्या गैस हमको मैजिक क्यूब मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है गैस। जो सारे सर्वर के अंदर गैस फ्री का मैजिक क्यूब देने वाले थे जो कि ऑफिशियल गैस उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। दूसरे सर्वर हो चाहे बट ऑल सर्वर मतलब गैस सारे सर्वर हो, फिर भी इंडियन सर्वर के अंदर गैस क्यों नहीं दिया जा रहा है मैजिक क्यूब, वो गैस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और गैस मेरा जो अभी सर्दी हो गया है, गैस मेरा जो वॉइस है थोड़ा सा अलग लग रहा होगा और गैस इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कट्स देखने को मिलेगा क्योंकि मैं सर्दी हो गया है तो लोग के अंदर बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट गैस फिर भी आपको ये वाला वीडियो लास्ट तक देखना बनता है अगर आप लोग गैस मैजिक क्यूब के बारे में जानना चाहते हो तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात करें जो छोटा मोटा इवेंट है गाइस, ये गाइस आपको मैं समझाता हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो इवेंट देख सकते हो जो कि रेबा पर रहा, वो गाइस ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, जो कि लॉगिन के लिए लेना पड़ता है 7 दिन के लिए 30 इवेंट। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो प्लेट फॉरवर्ड, तो गाइस यहाँ पर आप लोग को जो बैकपैक मिलेगा एंड गाइस ये जो फीमेल का बंडल है वो गाइस पूरा फ्री का मिल जाएगा, ओके। गाइस ये होने वाला एक वेब इवेंट, ठीक है गाइस, ये वाला वेब इवेंट आपको आज देखने को मिल जाएगा, मतलब 6 मई को ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के अंदर। एंड उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो जो कि टोकन कलेक्शन जो कि 8 मई को चालू होने वाला है, 8 मई को गाइस ये वाला टोकन कलेक्ट करोगे और ये वाला जो टोकन है इसको देकर आप लोग देख सकते हो टोकन एक्सचेंज पर जो MA2B को गाइस आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो 13 तारीख को, ठीक है। 13 तारीख को गाइस ये जो पीक डे होने वाला है तो गाइस आप उस दिन जो कि इसको एक्सचेंज कर पाओगे। और गाइस ये वाला जो MA2B का गाइस आप लोग स्किन देख सकते हो, इसका जो एट्रीब्यूट सिंगल रेंज सिंगल इसका आर्मर पेनिट्रेशन और गाइस इसका जो मूवमेंट स्पीड होने वाला है सिंगल इसका माइनस होने वाला है, ओके, जो कि ठीक ठाक सा ही है, जितना कुछ खास नहीं है नॉर्मल सा है। वैसे भी MA2 भी काफी ज्यादा तगड़ा गन है। एंड उसके बाद गाइस देख सकते हो जो कि राया एक्सटेंडेड मिशन जहां पर गाइस देख सकते हो M41 और गाइस आपको जो स्कारपोर्ट है वो गाइस आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। तो सभी हम लोग बात करते हैं मैजिक क्यूब के बारे में। बस यहाँ पर जो सारे सर्वर के अंदर मैजिक क्यूब दिए जाने वाले थे, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कि गाइस बताया गया ऑल सर्वर फ्री मैजिक क्यूब, ठीक है। ये गाइस भले पाकिस्तान का गाइस जो कि पोस्ट है बट फिर भी गाइस यहाँ पर ऑल सर्वर का मतलब क्या होता है, सारे सर्वर, और सारे सर्वर के अंदर इंडिया का सर्वर आता है कि नहीं गाइस आप लोग ही कॉमेंट करके मेरे को बताओ। अगर इंडिया पे गाइस मैजिक क्यूब गरीना नहीं देता है, ठीक है, तो गाइस आप लोग समझ जाना इंडिया का कोई सर्वर ही नहीं है, इंडिया तो ऐसे ही फालतू बैठा है, इंडिया तो हम लोग जो इंडियन वाले हैं हम लोग तो एलियन ही है, हम लोग तो मंगल ग्रह पर रहते हैं, हम लोग तो जादू के साथ उठना बैठना रहता है हमारा, यही तो गाइस मेरे को लग रहा है। और गाइस ऑल फ्री फॉर ऑल सर्वर का मतलब क्या है, सारे सर्वर में फ्री, तो इंडिया का कहां गया, इंडिया गाइस कहां गया, मेरे को तो समझ में नहीं आता है गाइस गरीना क्या करना चाहता है इंडिया के अंदर। ऊपर से गाइस गरीना ने एक जो पोस्ट किया था गाइस आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो कि हिंट दिया था मैजिक क्यूब वगैरह सारे फ्री मिलने वाले, अभी गाइस ये वाला पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड उसी के बाद गाइस आप लोग जो कि न्यू जो पोस्ट आया देख सकते हो, जो पोस्टर दिया है गरीना ने उसमें भी गाइस गरीना ने मैजिक क्यूब का जिक्र नहीं किया है। एंड यहाँ पर जो कैलेंडर आया गया है इसके अंदर अभी गाइस कहीं पे भी मैजिक क्यूब का जिक्र नहीं है या फिर मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट भी नहीं दिया जा रहा, तो गाइस आप लोग समझ लो कि मैजिक क्यूब तो शायद अभी गरीना नहीं देने वाला। तो अगर नहीं देने वाला तो ऑफिशियल पोस्ट के अंदर फ्री फॉर ऑल सर्वर लिखना जरूरी था नहीं। तो गाइस इलाइट पास का डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है गरीना इंडिया सर्वर के ऊपर, अभी गाइस मैजिक क्यूब था, मैजिक क्यूब भी गाइस गरीना ने नहीं दिया, ठीक है। तो समझ सकते हो गाइस गरीना इंडिया सर्वर के लिए कितना कुछ कर रहा है, ठीक है, कितना सोचता है इंडिया सर्वर के लिए, आप लोग भी जानते हो गाइस गरीना क्या क्या नहीं करता है इंडिया सर्वर के लिए, कैसे इंडिया सर्वर वाले को चूतिया बनाया गया, यही सोचता रहता है गरीना। एंड ऊपर से बात करेगा इधर गाइस गरीना ये वाला मैजिक क्यूब नहीं देता तो वैसे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि सारे सर्वर पर अगर ऑल सर्वर कहा गया है ऑफिशियली एक पोस्टर ऑल सर्वर के बारे में कहा गया कि मैजिक क्यूब देंगे तो गाइस इंडिया सर्वर को देना इनको बनता है, इंडिया सर्वर का एक फालतू सर्वर बनता जा रहा है गाइस, ये तो सर्वर सॉरी गाइस ये तो इंडिया का कोई सर्वर नहीं है, अगर सर्वर होता तो मैजिक क्यूब देता ना, सॉरी गाइस मैं तो भूल गया इंडिया का कोई सर्वर नहीं है, हम लोग तो गाइस एरे करे नत्थु खेरे लग रहा है मेरे को। अब गाइस देखते हैं गरीना जो कि 13 तारीख जो पीक डे होता है उसके दिन गाइस क्या कुछ अलग थोड़ा सा करता है, मैजिक क्यूब देता है कि नहीं देता है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग जो कि बिल्कुल ही गाइस गरीना के जो कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो कहीं पे भी हो जाके जरूर से कमेंट करना वी वांट मैजिक क्यूब, वी वांट फ्री मैजिक क्यूब, हैशटैग वी वांट फ्री मैजिक क्यूब। बस आज के वीडियो में गाइस यही था, तो देखते हैं गाइस होप करते हैं कि गरीना मैजिक क्यूब दे दे, अगर दे देता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात हो जाएगा, थैंक यू बोल दूंगा गरीना को, अगर नहीं देता गान मारा। तो बस आज के वीडियो में यही था, तो मिलते करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।